कहना चाहते हैं कि हमारी 10 गाड़ियां हैं, हम बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, हमारी डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हैं, इनको हमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। कोई भी गाड़ी कुछ भी नुकसान हो सकता है हमारे साथ, पेट्रोल डीजल है हमारी गाड़ी में, कुछ भी आँच लग गई या कोई भी कारणवश कुछ भी हो गया, जान माल का नुकसान है। हमें अपने सेफ्टी के लिए कोई भी सुविधा दी जाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादातर हमारा ख्याल रखा जाए, क्योंकि हमारे पास इतना हानिकारक पदार्थ है, हमारे पास सबसे ज़्यादा नुकसान इसी से होगा कि ये फट गया या कुछ भी हो गया ना, तो ये मान लो ये क्षेत्र को लेके ख़त्म हो जाएगा, इतने एरिया में फैलेगा उतना ज़्यादा। क्या अरे बम का भी रूप ले सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होगा, इससे बहुत एरिया को कवर करके चलेगा ये, अगर भी ब्लास्ट बनेगा, बम बनेगा, इसमें कोई भी हानिकारक कुछ भी डाल दिया, बीड़ी माचिस कुछ भी कर दिया, तो इससे बहुत जगह एरिया कवर हो गए, कई जगहों को फाड़ देगा ये। तो प्रशासन को क्या करना चाहिए था, किस तरह का कदम उठाना चाहिए थे हमको इससे, या तो हमको निकलवाया जाए, पास करवाया जाए यहाँ से जल्दी कोशिश ये की जाए, कि नहीं तो हमको प्रोटेक्शन दे आ जाए, प्रोटेक्शन की कोशिश करवाई जाए, यहाँ से ज़्यादा यही कहेंगे हम सरकार से कि प्रोटेक्शन देने की कोशिश करें। कब से खड़े आप यहाँ? हम कल से खड़े हैं। तो कोई खाने पीने की और कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास, खाने पीने पानी तक की व्यवस्था नहीं है हमारे पास। इसके लिए हमने पूरे ज़िले में 36 नाके लगाए हैं, और खासकर जो ज़्यादा नाकाबंदी है जो पंजाब से आने वाले हैं, दमताड़ साहब के आसपास कड़वन की तरफ और दाता सिंह वाले पे नाका लगा के बैरिकेडिंग की हुई है। चार कंपनियां वहाँ लगाई हुई है, चार DSP वहाँ डेपुट किए ड्यूटी के लिए। किस तरह का एक्शन प्लान है सर, अगर कोशिश की जाती है अंदर आने की बॉर्डर? नहीं, अंदर आने तो रोकेंगे, और जो धारा 46 का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल पंप वालों को कहा गया है कि छोटी केनी बोतल गिलास वगैरह में तेल नहीं डालेंगे, कोई व्हीकल में तेल डालेंगे।